नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, अगर आप लोग का अकाउंट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों फाइनली इन दोनों बैंकों का डाटा माइग्रेशन पंजाब नेशनल बैंक में कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को पूरा डिटेल में जानकारी देंगे कि आफ्टर अमलगमेशन क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन दोनों बैंकों के अकाउंट में। तो आइए दोस्तों, बिना समय को आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि अगर आप लोग का अकाउंट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में है तो आफ्टर अमलगमेशन क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट नंबर की। तो अकाउंट नंबर चेंज नहीं हुए हैं। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अकाउंट नंबर चेंज नहीं हुए हैं, चाहे आप लोग यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो या फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कस्टमर हो, अकाउंट नंबर चेंज नहीं हुआ। वही पुराना अकाउंट नंबर आप लोग आगे भी यूज कर सकोगे। अभी आप लोगों ने अगर बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक का अमलगमेशन देखा होगा तो वहां पे अकाउंट नंबर चेंज हो गए हैं दोनों बैंकों के, चाहे वो देना बैंक हो या फिर विजया बैंक हो, बट पंजाब नेशनल बैंक के अमलगमेशन में चेंज नहीं हुए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक के कस्टमर पुराना अकाउंट नंबर ही यूज कर सकेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आईएफएससी कोड की। तो आईएफएससी कोड जरूर चेंज हो गए हैं दोनों बैंकों के, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के सभी कस्टमर्स के अकाउंट के आईएफएससी कोड चेंज हो गए हैं। तो आप लोग अपना न्यू आईएफएससी कोड अपने ब्रांच से पता कर सकते हो। इसके साथ ही एमआईसीआर कोड भी चेंज हो गए हैं। एमआईसीआर कोड के बारे में बता दूं, ये चेक ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, तो एमआईसीआर कोड भी चेंज हो गए हैं। और अब बात कर लेते हैं कस्टमर आईडी की। तो कस्टमर आईडी में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, फिर भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। अगर आप लोग ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कस्टमर हो तो आप लोग को अपना पुराना जो कस्टमर आईडी उसके आगे ओ लगाना होगा। यानी कि अगर आप लोग का कस्टमर आईडी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है तो उसके आगे आप लोग को ओ लगाना होगा। और वहीं अगर आप लोग यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो तो आप लोग को अपने कस्टमर आईडी के आगे यू लगाना होगा, पुराना जो कस्टमर आईडी है उसके आगे यू। और अगर आप लोग ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कस्टमर हैं तो आप लोग को ओ लगाना होगा और वही आपका न्यू कस्टमर आईडी बन जाएगा। अब आप लोग के मन में, काफी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर रहा होगा कि क्या आफ्टर अमलगमेशन हमारा चेकबुक और पासबुक भी चेंज हो जाएगा। तो चेकबुक और पासबुक के चेंजेस के रिगार्डिंग कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग अपना पुराना पासबुक जरूर अपडेट करवा लीजिए अपने ब्रांच विजिट करके, क्योंकि अगर आप लोग का आईएफएससी कोड चेंज हुआ है, एमआईसीआर कोड चेंज हुआ है, ब्रांचेस भी बहुत सारे लोगों के चेंज हुए होंगे तो ब्रांच कोड भी चेंज हुआ होगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग अपना ओल्ड जो पासबुक है उसको जाकर अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग एटीएम मशीन पे जाकर प्रिंट करवाते हो तो वहां पे न्यू क्यूआर कोड के थ्रू पासबुक प्रिंट होता है, तो वहां पर आप लोग का पासबुक प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप जरूरी है कि आप लोग अपना पासबुक जाकर फिर से अपडेट करवा लीजिए। और बात कर लेते हैं चेकबुक की। तो चेकबुक भी आप लोग न्यू इशू करवा लेंगे तो ज़्यादा फायदे में, क्योंकि एमआईसीआर कोड चेंज हो चुका है। इसके अतिरिक्त आप बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की। तो अगर आप लोग दोनों बैंक, चाहे किसी भी बैंक के कस्टमर हो, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कस्टमर हो या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो, तो आप लोग का डेबिट कार्ड पुराना ही चलता रहेगा जब तक कि आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर न हो जाए। इसके अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड भी पुराना आप लोग यूज कर सकेंगे जब तक कि एक्सपायर न हो जाए। एक्सपायरी के बाद आप लोग पंजाब नेशनल बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से आप लोग या फिर ब्रांच विजिट करके न्यू डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही सभी कस्टमर, चाहे वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कस्टमर हो या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो, अब सभी लोगों को इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करना होगा पंजाब नेशनल बैंक के वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी ये जो वेबसाइट है www.pnbibanking.in, इस पर आप लोग को लॉगिन करना पड़ेगा। इसके साथ ही मोबाइल बैंकिंग भी आप लोग को न्यू लॉगिन करना पड़ेगा पंजाब नेशनल बैंक का PNB1। और भीम UPI या फिर अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन UPI का यूज कर रहे हो, जैसे गूगल पे, फोनपे या फिर पेटीएम का UPI अगर आप लोग यूज कर रहे हो, तो भी आप लोग को न्यू UPI रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके साथ ही न्यू पिन भी बनाना पड़ेगा। ओल्ड जो आप लोगों ने UPI यूज कर रहे हो उसको अब यूज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पे कुछ FAQs निकाले हैं, तो चलिए मैं आप लोग को एक बार पूरा रीड करके बता देता हूँ। वैसे आप लोग पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर इसे पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे FAQs में आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया कि अब आप लोग को इंटरनेट बैंकिंग पंजाब नेशनल बैंक का यूज करना है और यहाँ पे वेबसाइट भी मेंशन है। इसके साथ ही अगर आप लोग ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो और आप लोग पहले से उन दोनों बैंकों का इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, तो आप लोग मन में एक सवाल जरूर रहा होगा, क्या हम अपने पुराने यूजर आईडी और पासवर्ड से इसी पंजाब नेशनल बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं? तो जी हाँ जी, आप बिल्कुल लॉगिन कर सकते हो, लेकिन जब भी आप लोग पहली बार लॉगिन करना तो आप लोग अपना पासवर्ड
चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग इन दोनों बैंक को कस्टमर हो और पहले कभी भी आप लोग इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग यूज नहीं कर रहे होगे तो आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया है कि कैसे आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना। वैसे यूट्यूब पे मैंने काफी सारे वीडियो देखे तो वहाँ पे आप लोग वीडियो देख के भी अपना रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग लॉग इन करते समय आप लोग एक चीज जरूर ख्याल रखिएगा, आपका जो यूजर आईडी है यानी कि कस्टमर आईडी वो आपका चेंज नहीं हुआ, बस आपके जो यूजर आईडी है उसके आगे अगर आप लोग ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कस्टमर हो तो आप लोग को ओ लगाना है प्रीफिक्स के रूप में, और अगर आप लोग यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो तो आप लोग को अपने कस्टमर आईडी के आगे यू यानी कि यूजर आईडी के आगे यू लगा लेना है। देन आप लोग बड़े आसानी से लॉग इन कर सकते हो अपने ओल्ड पासवर्ड के थ्रू। बट आप लोग एक बार चेंज कर लेना अपना पासवर्ड फर्स्ट टाइम लॉग इन करते समय। इसके साथ ही काफी सारे लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर वो इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो चाहे वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के, अगर उन्होंने अपना ट्रांजैक्शन लिमिट इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग में सेट किया हुआ है पहले से, तो क्या उसी ट्रांजैक्शन लिमिट के साथ आगे वो पंजाब नेशनल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं? तो जी आप लोग को अब जो न्यू इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करोगे या फिर मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करोगे उसमें आप लोग का फिर से ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि द ट्रांजैक्शन लिमिट नीड टू बी सेट वंस आफ्टर यू लॉगिन इनटू पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग, यानी कि आप लोग को अपना ट्रांजैक्शन लिमिट एक बार फिर से सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग में कोई भी बेनिफिशियरी पहले से ऐड किया हुआ है या फिर बिलर्स ऐड किया हुआ है तो वो चेंजेस नहीं होंगे। उस पुराने बेनिफिशियरी भी आप लोग अपने न्यू पंजाब नेशनल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग अपने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से कोई भी पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, डीमैट अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड अकाउंट लिंक किए हुए हैं तो क्या चेंज हो जाएगा? तो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। जितने भी पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट वो सब आप लोग उसी तरीके से यूज कर पाओगे पीएनबी के अकाउंट्स में। इसके साथ ही काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि अगर उनके दोनों बैंक में अकाउंट हो ओबीसी या फिर ओबीसी और पीएनबी या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी, तो क्या अपने दोनों अकाउंट्स को न्यू पंजाब नेशनल बैंक के इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में एक्सेस कर सकते हैं? तो जी आप बिल्कुल अपने दोनों अकाउंट्स को पीएनबी के इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में आप लोग दोनों अकाउंट्स को एक्सेस यानी कि यूज कर सकते हो। इसी के साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यानी कि पीएनबी वन के बारे में भी बताया आफ्टर माइग्रेशन। जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि अगर आप लोग ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो और आप लोग उन दोनों बैंकों का मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो तो अब आप लोग को उन दोनों बैंकों का मोबाइल बैंकिंग यूज नहीं करना है, अब आप लोग को पंजाब नेशनल बैंक का मोबाइल बैंकिंग यूज करना है पीएनबी वन। और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल में जानकारी दी है कि आप लोग कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाओगे अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। बट अगर आप लोग पहले से दोनों बैंकों का मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हो तो आप लोग को पुराने यूजर आईडी और पासवर्ड से आप लोग रजिस्ट्रेशन बड़े आसानी से लॉगिन कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज लिमिट भी बताया कि पीएनबी वन के थ्रू आप लोग कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहला ओवरऑल लिमिट जो है पीएनबी वन के थ्रू यानी कि पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप लोग 10 लाख आप लोग इसकी लिमिट सेट की गई है। इसके साथ ही आईएमपीएस 2 लाख रुपए आप लोग डेली कर सकते हो। इसके साथ ही जो क्विक ट्रांसफ़र होता है बिना बेनिफिशियरी ऐड किए वो 10,000 रुपये तक का आप कर सकते हो। थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपये, नेफ्ट आरटीजीएस आप लोग 10 लाख रुपये तक कर सकते हो। टर्म डिपॉजिट यहाँ पे इन्होंने ट्रांजेक्शन लिमिट दिया हुआ है। यूपीआई ट्रांजेक्शन 50,000, मोबाइल रिटेल रिचार्ज 50,000, इसके साथ ही बिल पेमेंट भी 50,000 रुपये तक का आप लोग डेली कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने यूपीआई के रिगार्डिंग भी एफएक्यूज बनाए हुए हैं तो आप लोग इसको भी पूरा रीड कर लेना। वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि दोनों बैंक के कस्टमर चाहे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कस्टमर हों या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हों, दोनों बैंक के कस्टमर्स को अब न्यू यूपीआई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चाहे वो भीम यूपीआई यूज कर रहे हों या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूपीआई यूज कर रहे हैं जैसे कि गूगल पे फोनपे यूज कर रहे हो तो भी आप लोग को न्यू यूपीआई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके साथ ही डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग, क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग भी इन्होंने पूरा दिया हुआ है तो आप लोग इसको एक बार पूरा रीड कर लेना। तो इसके अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। अमल कमीशन रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।